आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जामिया उर्दू संस्थान में तैनात गार्डनर सुपरवाइजर व उसकी पत्नी ने रजिस्ट्रार व ओएसडी पर धर्म परिवर्तन न करने पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना कुवारसी में मामला दर्ज कराया गया है। नूर महल में ड्यूटी कराते थे मुझसे और जामिया उर्दू में कोठी में काम कराते थे मुझसे। अच्छा, अब जामिया उर्दू में सैलरी बैंक में जाती थी मेरी। फिलहाल क्या प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम मुझे धर्म परिवर्तन करना चाह रहे, एक भाई का मेरे करा चुके हैं ये, रघुराज सिंह। अच्छा, रघुराज सिंह का नाम बदल दिया? हाँ, रियाज कर दिया इन्होंने। और उनकी नमाज पढ़ते हैं, किसी से इंक्वायरी करा लीजिए। और उनकी पत्नी? वो नहीं है, खाली तुम्हारे भाई का है। हाँ, मेरे भाई का ही है। और मेरे बच्चों का होगा, भतीजों का। अब आपको प्रेशराइज कर रहे हैं? हाँ, धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। हमने क्या, हमने नौकरी से निकाल दिया, फिर हमने ये कौन लोग हैं जो आपको धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं? मानने की धमकी थी, किसी जिक्र करोगे तो हम जान से मरवा देंगे तुम्हारे बच्चों को। तुम्हें नहीं, कौन लोग हैं, क्या नाम है? फरत अली खान। और ये रजिस्ट्रार है, इसका नाम है फराज खान। फराज है इसका नाम, है रजिस्ट्रार का। ये शमसुद नबी 29/12/2019 को श्री कमल सिंह, जो कमला नगर कुवारसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और ये जामिया उर्दू में सुपरवाइजर गार्डनर के पद पर नियुक्त हैं। इनके बड़े भाई रघुराज सिंह, वो वहां पर उसमें जामिया उर्दू में उनके लीगल एडवाइजर हैं। इन्होंने लिखित में सूचना दी कि उनके बड़े भाई रघुराज का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है एवं उन पर भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। अब तक की विवेचना से श्री रघुराज ने अपने लिखित में बयान अंकित कराए हैं एवं रिटिन में भी दिया है कि उसका कोई धर्म परिवर्तन किसी ने नहीं कराया है, वो आज भी हिंदू है, वो वहां पर नौकरी करता है। उसने अपने बच्चों की स्कूल की आईडी प्रस्तुत की है, इस संबंध में विवेचना जारी है।